की है वाय वो बेटे के साथ क्यों नहीं मिलने देते? बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं मिलने देते, क्या मसला है? तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वजह है एक्चुअल वजह वो भी किसी दिन में ओपन कर दूंगा। यहां से नॉक करके देखिए। भाई भाई कल आएगा आपसे मिलने, जरा भी बोल रहा हूँ दरवाजा खुलवा देगा और सब आपसे मिलने आए। राहिल साहब अंदर ही हैं? अच्छा मिलना चाहिए था ना। नहीं अभी मिल के नहीं जा रहे आप मैडम, आप मिल के नहीं जा रहे अभी। नहीं हो सकता और मैं कोशिश ही कर सकती हूँ। नहीं अभी आपका एक मिनट, निशान भाई इधर आइएगा। नहीं भैया आप कितने अरसे बाद आए हैं इनसे मुलाकात करने? मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सवाल आपसे क्या करूं, लेकिन फिर भी क्या क्या वजह बनी है? वजह तो कोई नहीं है लेकिन बस अब मुझे नहीं पता, वजह भी वही बता। पूरन साहब आप जरा आगे आइए, देखिए पूरन साहब के वेलकम उन्होंने। मैं तो जी अपना बेटा है, इतने मतलब वली अहद है, बेटा भी नहीं वली अहद, ये सबसे बड़ा बेटा यही है, वो आया उसको मिलना चाहिए, बाप को मिलना चाहिए। एक्चुअली बाप को नजर नहीं आता, उसको लॉक किया हुआ है। बाप किसी से मिल नहीं सकता, हम लोग मुझसे नहीं मिल सकता बाप, मैंने भी मतलब उनको लॉक किया हुआ है, उनको परमिशन नहीं है। अच्छा। और ही इज ऑल ब्लाइंड, और पता नहीं क्या किस तरह ब्लाइंड हुआ है ये नहीं मुझे पता। नहीं मेरी तरफ बड़ी रिस्पेक्ट, ही इज द ओनर सन, राहिल बारी इज द ओनर, और जीशान जो है वो राहिल बारी का बेटा है। मैं वेलकम नहीं करना तो मैंने क्या करना है? वेलकम मैंने क्यों करना है? वो वेलकम करे, वो मालिक है इधर, वो वेलकम करे, वो तो खुद ओनर है। नहीं अभी क्या क्या किसी ने उन्हें रोका हुआ या बंद किया हुआ घर में, क्या मतलब? मुझे भी नहीं पता क्या स्टोरी है, ये अपना इनका है। उले इधर आए, ये जरा बता क्या है मसला, क्या है अंदर? कुछ नहीं था, सही है, साथ बैठे हैं, बैठे होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खोलते पे, मैं तो खड़काया गई। हाँ कहते नहीं मिलना, नहीं मैंने तो सुना नजर ही नहीं आता। साहब की गल कर रहा मैं, वो बीबी तो कहती है कोई भी ना मिले, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मैं मुझे भी परमिशन नहीं है मिलने की, वो तो मुझे पता है इस बात का, लेकिन साहब को तो अपना मिलना चाहिए ना साहब से। अब फोन भी बंद कर दिया, उनको पता है कि आ रही सब आया। हाँ मैंने बताया, मैं कहा साहब का बेटा भी आया आपका, एक दफा खटका के मेरा बता। तुझे गुरम साहब से मिलना है? तो मेरा भाई है, मैं मिलना चाहता हूँ उसको, उनका भाई आया, मैं मिलना चाहता हूँ। पूरन साहब मिलना चाह रहे हैं, दरवाजा खोलिए, भाई को मिलना चाह रहे हैं। राहिल भाई छोटा भाई भी मिलना चाहते हैं, निशान भी आए हैं आपके साहबजादे, वो भी मिलना चाहते हैं। और नहीं क्या कह रही हैं आप, घर पे नहीं हैं? नहीं किधर गए हैं जरा आप बताएं।
मैं क्या मेरी बात सुने, मैं दुताना रहमान बात कर रही हूँ, बड़ा जरूरी उनसे काम है। आप थोड़ी जरा ऊंचा बोले, वो किधर है? हैं जी, आ जाओ। हेलो, आ जाओ दुताना जी, आ जाए। आप बता सकती हैं कहाँ है वो? खुरम साहब आए हैं बाहर। खुरम साहब ईशान रहील आया है कनाडा से मिलने के लिए। आप प्लीज दरवाजा खोल के उनकी शक्ल तो दिखा दें। प्लीज दरवाजा खोल दें। खुरम साहब भी बात हमारे साथ खड़े हुए हैं। तुम लोग कैसे बाहर आ जाते हो? राहील फोन पे बात कर मेरे साथ। फोन बंद कर दिए तो? फोन की बेगम बोल रही है। नहीं वो खुद बोले, बेगम का क्या काम है भाई, खुद बोले। कहाँ गए हैं? कानूनी आता है बारी साहब, जो हमारे प्यारे ऑनर हैं और इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा वेलकम अमताज जी को दिया, इनको दिया, आए खान साहब का आ गया है। खुरम साहब ने हमेशा सबकी हौसला अफजाई की, बड़ी दिल वाले इंसान है। उन्होंने अपने अमताज जी को यहाँ बुलाया, सब मीडिया को बुलाया, लेकिन उनका फोन बंद करो बोला, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। भाई ने भी इतना दरवाजा खटकाया, मैंने भी खटकाया। और शादियाँ सारे ही करते हैं, सब करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बेटे के सुख से बाप को ना मिलाया जाए। बेटे ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। बेटे को बाप से मिला, कितने सालों के बाद वो बाहर से आया? कितने सालों के बाद आए हो? 25-26 साल के बाद। आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? मिलना मिलने दिए, लेकिन आपको कौन सा इनसे बात करनी चाहिए, फिर किसी दिन को दिन हम लोग चले। ठीक है, ठीक है, आप इनसे बात करें, उन्हें कहें ये ज्यादती है, ये जुल्म है। नहीं तो जीशान साहब, आपके क्या इमोशंस हैं? आप अपने वालिद से एक सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर हैं। बस मैं क्या कहूँ, मैं काफी अपसेट हूँ। ये तो बेचारा इतना तड़प रहा था, रोता है बाप के लिए। मैंने भी सुना हुआ है कि बहुत रोता है बाप। हाँ जी, मैंने तो सोचा हुआ था कि आज मुलाकात हो जाएगी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सारा कुछ हो। लेकिन उसके चाचू ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि हमारे साथ खड़े हुए हैं, मुमताज जी के साथ खड़े हुए हैं, जीशान के साथ खड़े हुए हैं। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला आप एक इनसे मुलाकात करें, उसके बाद आप हमें टाइम दें, इंशाल्लाह ताला हम भी नहीं आने आए। दरवाजा क्यों बंद किया? बिल्कुल, वो बेटे के साथ क्यों नहीं मिलने देते? बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं मिलने देते? क्या मसला है? बाप को कहे बाप बाहर आए अपने बेटे से मिले, दैट्स इट। और को तो कोई डिमांड ही नहीं है। पहले भी आए, दरवाजा नॉक करके आए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और अब वो दरवाजा खोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ यही सवाल करती हूँ आप सबसे कि क्या बाप अपने बेटे को मिल नहीं सकता? क्यों नहीं मिल सकता? और क्यों नहीं मिल सकता? किसको जाके कहे कि जी बाप अपने बेटे को जाके मिले? अब बाप साहब, आप सब लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं कि वो बाहर निकले और अपने बेटे को मिले। और कोई डिमांड नहीं है, मिलना है बस। दरवाजा ऐसे बंद किया हुआ जैसे वो किले का वो गेट बंद। नहीं खुरम साहब बात करते हैं। नहीं खुरम साहब, ये अब क्या वजह लग रही है आपको? आप क्योंकि भाई है तो ये वजह क्या लग रही है? क्या उनको कैद में रखा है? क्या वजह है, कुछ खुद बताइएगा। कैदी और क्या, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? वो कैदी नहीं तो और क्या है? कैदी बामुशक्कत, वो बंदा बाहर नहीं निकल सकता। इतना इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा बंदा, स्टूडियो का मालिक, वो बाहर नहीं आ सकता अपने बेटे को मिलने के लिए? कैदी नहीं है तो और क्या है? इसका फिर रास्ता दूसरा निकालना पड़ेगा। होगी ना,
तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वजह है एक्चुअल वजह वो भी किसी दिन में ओपन कर दूंगा। ठीक वो मुझे कहते मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। जब एक वो उसको पठानी को आगे किया हुआ है वो कह रही है मैंने नहीं मिलना, मैंने मिलाना नहीं किसी को, मैंने इसको लॉक में रखना है। हत्ता के जब वो निकलती है ना कहीं जाती है वो बाहर से लॉक करके जाती है और उसका फोन साथ लेके जाती है। दो है ये अपना खुलवाओ अपना ये नहीं मेरी बड़ी मेहरबानी बेटा मेरा यार और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन मैं इस बात जिंदगी देती हूँ और उन्होंने कहा मैं आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगा। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी अगर उन्होंने कहा है उनका भी खून है उनका भी ब्लड है। ये शूटिंग देखी अभी हमने इधर से शूटिंग देखी आपने? हाँ जी। मुझे पूछ रहे थे कि आपको बारी स्टूडियो में आके क्या लगा क्या फील करिए। मैंने कहा ये फील करिए अभी कभी किसी के पीछे से आवाज आएगी कि शॉर्ट रह गया मरने में आ जाए। खुले खोल